ये तो मेरा एकदम फेवरेट स्पोर्ट है, पता है। हाँ, और ये एडवांस बुकिंग का आइडिया भी कितना अच्छा था ना। फिर तो कार रेसिंग के बाद एकदम मजे। हेलो अंकल। अरे लाइन तोड़ के कहाँ जा रहे हो, लाइन में आओ। हमने तो पहले से एडवांस बुकिंग कर रखी है, देखो हमारे पास पहले से ही 4 टिकट्स है। ये देखो। ओके ठीक है, आप लोग लाइन में सबसे आगे आके खड़े हो जाइए। चलिए जाइए। के बच्चे लोग आगे रहने की मेरी बहुत पहले से आदत है। अंकुश भैया और उनके दोस्त लोग ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कॉपी कैट है, हम जहाँ जाते हैं हमारे पीछे आ जाते हैं। सुनो ये हमारी टिकट है, इसे हमें वापस दे दो। चलो तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। भूल गए, पिछले महीने तुमने मुझसे मेरा मोबाइल फोन लिया था और अपने दोस्तों को शो ऑफ किया था और अब वो तोड़ के मुझे वापस दिया था। उसके लिए मैं आपको बहुत बार सॉरी बोल चुका हूँ राहुल भैया, और वो मोबाइल मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ी थी। राहुल भैया वो मोबाइल तो मेरे धक्का लगने की वजह से तोड़ गया था, मोंटी की उसमें कोई गलती नहीं है। आप इस तरह दादागिरी करके हमसे हमारी टिकट नहीं छीन सकते। देखो बच्चों लोग, हमारे को लाइन में खड़े रहने की आदत नहीं है। सो या अगर आपको लाइन में खड़े रहने की आदत नहीं है तो आपने भी हमारी तरह एडवांस बुकिंग करवा लेना चाहिए था ना। मेहनत हम करे और मजा आप लूटे, ये तो नाइंसाफी है ना। अरे तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? देखो ये हमारा आपस का मामला है, हम आपस में निपटा देंगे, आप जा सकते हैं। देख राहुल, इन बच्चों से बहस करने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो, गो कारिंग। नहीं ये हमारे टिकट है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, टिकट वापस दे दो। मोंटी ज्यादा ऊंची आवाज से बात मत करो, जो करना है कर लो, टिकट लेके दिखा दो मुझसे। देखो अगर झगड़ा करना है तो ये कोई लड़ाई का मैदान नहीं है, तुम्हें कार्टिंग नहीं करनी है तो दूसरों को आगे आना। जल्दी निपटा लो सब कुछ, मैं अभी आता हूँ। बच्चों लोग ये गो कार्टिंग है, गो कार्टिंग। तुम लोग टिकट लो मेरी गो राउंड की और ट्रेन की, वहाँ पर ऐश करो। गो कार्टिंग नहीं, चुक 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 चुक। अच्छा तो लगाते हो चैलेंज? कैसे चैलेंज? एक रेस हो जाए, आप लोग पहले जीते तो आप लोग पहले गो कार्टिंग करेंगे, अगर हमारी चिल्ला पार्टी में से कोई जीता है तो हम पहले गो कार्टिंग करेंगे। दया सर मैं मोंटी, मैंने ही आपको कॉल किया था। क्या हुआ था यहाँ पे? सर मेरे और राहुल भैया के बीच में गो कार्टिंग की चैलेंज लगी थी कि जो पहले आएगा वो ही सबसे पहले गो कार्टिंग करने जाएगा। ये सब क्या है हा? चैलेंज चुनौती, ये छोटी मोटी होशियारी दिखाने में लगे हो तुम लोग, क्यों अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हो? देखा ना क्या हुआ, ये तो बच्चे हैं, आपको तो समझना चाहिए। सर सर वो बच्चों ने आपस में ही शर्त लगाई और इन्होंने रेस लगाना शुरू कर दिया सर, पता नहीं कब उसने गाड़ी पे से अपना कंट्रोल खो दिया सर और गाड़ी इस खंभे से टकरा गई सर। मैंने बहुत कोशिश की सर लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया सर। अंकल हमारा विश्वास कीजिए, हम तो बस खेल खेल में। हम लोग जानते हैं कि आप लोगों ने ये जानबूझ के नहीं किया, मगर जो हुआ उसे बदल भी नहीं सकते। सर हाँ मम्मी,
सर सर पे बहुत गंभीर चोट लगी है। जैसे ही वो इस पोल से टकराया, नीचे गिरा, उसकी मौत हो गई सर। सर, गाड़ी को अच्छी तरह से चेक किया, ब्रेक ब्रेक सब एकदम सही सलामत है। लगता नहीं गाड़ी के साथ कोई छेड़खानी की गई है। ऐसा लग रहा है सर सिंपल एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट? पर ये मोंटी क्यों कह रहा है कि ये एक्सीडेंट नहीं खून हुआ इसका? मोंटी, आपको क्यों लगता है कि राहुल का एक्सीडेंट नहीं, किसी ने मारा उसे? सर, क्योंकि कुछ दिन पहले हम सब लोग राहुल भैया के साथ एक थिएटर में मूवी देखने गए थे और उधर भी हमारा एक्सीडेंट हुआ था कार से। एक्सीडेंट? हम सब कैसे बच गए हमें ही नहीं पता। ओ, पहले भी एक्सीडेंट और आज फिर से एक्सीडेंट? सर ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। एक काम करो, राहुल की बॉडी और ये कार्ट फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। रेखा, इसे चेक करो। तो राहुल की मौत एक्सीडेंट की वजह से ही हुई है ना? नहीं नहीं। तो फिर बॉस, मैंने राहुल की बॉडी का अच्छी तरह से टेस्ट किया है, इसके खून में मुझे जहर मिला है। जहर मिला है? कैसा जहर? मैंजलीन जहर। मैंजलीन बहुत ही खतरनाक होता है, 4-5 मिनट के अंदर खून में घुल जाता है और इंसान को पैरालाइज कर देता है। मैंजलीन 4-5 मिनट के अंदर? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल जब गो कार्टिंग कर रहा था उस वक्त ही जहर उसके शरीर में था और बस 4-5 मिनट के अंदर अंदर इस जहर ने अपना असर दिखा दिया, राहुल पैरालाइज हो गया, गो कार्ट के ऊपर का कंट्रोल खो दिया और एक्सीडेंट हो गया और राहुल मर गया। सर, अगर एक्सीडेंट नहीं भी हुआ होता तो भी उसकी मौत होने ही वाली थी जहर से। सर, मगर इसे जहर दिया कैसे होगा? वही तो, इतनी तेज रफ्तार से गो कार्टिंग करते वक्त राहुल को जहर दिया कैसे? सर, गो कार्टिंग का टाइम और स्पीड मॉनिटर करने वाली मशीन के मुताबिक राहुल ने 4 लैप लिए थे और 1 लैप कंप्लीट करने के लिए 1 मिनट 15 सेकंड लगते हैं, मतलब तकरीबन 5 मिनट चली रेस। 5 मिनट की रेस पर मैंजलीन जहर शरीर पर असर करने के लिए 4-5 मिनट लेता है। मगर सर उस वक्त तो राहुल के साथ उसके दोस्त और वो बच्चे भी थे, तो खूनी ने जहर दिया कैसे होगा उसे? जहर दिया कैसे और जहर दिया किसने? कोई तो दुश्मन है राहुल का, कोई तो दुश्मन है जिसने सारी साजिश की है, पर कौन कौन हो सकता है? ओके, थैंक यू सर। सर, राहुल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? सर, राहुल एक MBA स्टूडेंट था, बहुत ही होनहार था, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस था। अच्छा, क्या राहुल का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था, कुछ पता चला तुम्हें? नहीं सर, राहुल की सबसे बनती थी, वो किसी के साथ बहस में नहीं उलझता था, उसे बस अच्छे मार्क्स लाकर अपना MBA पूरा करना था। अच्छा, क्या राहुल किसी रईस घर का था क्या? तो मेरा मतलब है पैसे को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर रिश्तेदारों में कभी कभी दुश्मनी हो जाती है जिसकी वजह से यू नो। नहीं सर, प्रॉपर्टी का तो कोई केस नहीं था, उसका परिवार एक मिडिल क्लास परिवार है। ये मोंटी तो बता रहा था कि 3-4 दिन पहले राहुल की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और फिर आज ये गो कार्टिंग का एक्सीडेंट। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दोनों एक्सीडेंट के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, कोई ना कोई कनेक्शन है। सर, राहुल का एक्सीडेंट तो टायर फटने की वजह से हुआ, हाईवे पे उसकी गाड़ी का राइट वाला टायर फट गया और गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो कंट्रोल नहीं कर पाया। बस एक्सीडेंट में राहुल बच गए, सीट बेल्ट लगाने की वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं हुई। सर, उसकी वो गाड़ी अभी भी गैराज में है, इंश्योरेंस कंपनी उसका इंस्पेक्शन कर रही है। ए
कैसे हो बच्चों? सॉरी थोड़ा इंतजार करना पड़ा, पर हमें आप लोगों से कुछ मदद चाहिए थी। सर हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? कुछ जानकारी देकर, राहुल की कार का एक्सीडेंट जिस दिन हुआ था आप सभी साथ में थे, तो उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था डिटेल में बता सकते हो? नमस्ते सर। अरे मंगेश जी सर। अच्छा गाड़ी को चेक कर लिया? हाँ सर, पूरा गाड़ी का चेकिंग हो गया। तो पहले ये बताओ कि वो टायर पंचर कैसे हुई? सर यही बात तो समझ में नहीं आ रही, पूरा टायर चेक किया उसमें कोई कांच का टुकड़ा, कील या पत्थर का टुकड़ा कहीं लगा ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि अंदर का ट्यूब कैसे फट गया। सर अगर टायर सही सलामत है तो अंदर की ट्यूब कैसे फटी? सर यही बात तो समझ में नहीं आ रही। जरा ट्यूब दिखाना। अजीब बात है सर, टायर एकदम सही सलामत और ट्यूब फटी हुई है। खिलाड़ी को एक्सपर्ट लगता है। कोई बात नहीं, तारिका को फोन करो, उसे यहां बुलाओ। इसमें जहर रखा कहां गया होगा सर? कहीं भी रखा हो सकता है सचिन, जहां बैठा था सीट पर, इस स्टीयरिंग व्हील पर, इस पैडल पर, यहां गो कार्ट में कहीं। तो क्या सर ये जहर छोले से भी मिलता है? नहीं सचिन, ये जहर दरअसल किसी सुई या पिन के जरिए नसों में चुबाया जाता है, 4-5 मिनट में अपना असर कर देता है, खून में घुल जाता है और इंसान पैरालाइज हो जाता है। सर अगर एक्सीडेंट इतनी स्पीड में हुआ है तो ये भी तो हो सकता है कि सुई ट्रैक पे गिर गई। सर हमने पूरा ट्रैक चेक किया सर, वहां पर कुछ भी नहीं था। फिर भी इस गोकार्ट में एक बार चेक करते हैं। सचिन इस कार्ट में तो कहीं भी कुछ भी नहीं है। कमाल है सर, कार्ट में भी सुई नहीं है और ट्रैक पे भी सुई नहीं है, और राहुल जब रेस के लिए गया तो बिल्कुल सही सलामत था, पर उन बच्चों ने भी राहुल के पास किसी को जाते हुए नहीं देखा, तो फिर ये सुई राहुल को चुभी तो चुभी कैसे? ये तो है, अगर इस कार्ट में हमें कहीं कुछ नहीं मिला है तो फिर एक काम करते हैं, राहुल ने जो कपड़े पहने हुए थे, वो हेलमेट, वो ग्लव्स, वो उसके कपड़े, वो एक बार चेक करते हैं। सिर्फ ट्यूब फटने की वजह से तो ये हादसा नहीं हुआ होगा, गाड़ी में कोई और प्रॉब्लम लगी? कुछ तो प्रॉब्लम है सर, गाड़ी के दाहिने तरफ का सस्पेंशन भी नीचे आ गया था, ये देखिए स्क्रू आधे हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि टायर फटने की वजह से सारा प्रेशर दाहिने सस्पेंशन की तरफ आ गया हो और सस्पेंशन टूट गया हो? नहीं सर, अपने काम 15 सालों से कर रहा है, मैंने आज तक प्रेशर पड़ने से सस्पेंशन को टूटते हुए कभी नहीं देखा, खासकर स्क्रू को कभी नहीं। तो तुम्हारे हिसाब से क्या वजह हो सकती है? इन स्क्रू की वजह से, इसमें जो स्क्रू लगा हुआ था वो 7 नंबर का था, जबकि इसमें हमेशा 10 नंबर का स्क्रू लगता है। यानी किसी ने स्क्रू बदल दिया? यस सर। दया, ये ट्यूब फटने का राज पता चल गया। क्या? इस ट्यूब में हवा नहीं बल्कि क्लोरोफॉर्म गैस भरा हुआ था। क्या? ट्यूब में क्लोरोफॉर्म गैस? हाँ, गाड़ी के स्पीड की वजह से इस ट्यूब पर प्रेशर आया और तापमान बढ़ गया, और उसी वजह से अंदर जो क्लोरोफॉर्म गैस भरा हुआ था उस पर दबाव आया, तो क्या ट्यूब तो फटना ही था। सर होना हो किसी ने जानबूझकर इस कार के साथ छेड़छाड़ की है। पर गाड़ी का ये स्क्रू बदल दिया ताकि गाड़ी के दाहिने तरफ का सस्पेंशन कमजोर पड़ जाए, उसके बाद ट्यूब में क्लोरोफॉर्म गैस भर दिया ताकि जैसे ही गाड़ी स्पीड पकड़े टायर फट जाए। लेकिन राहुल का ऐसा कौन दुश्मन हो सकता है जो उसकी जान लेना चाहता हो?
बच्चो, उस दिन जब आप लोग राहुल के गाड़ी में बैठकर थिएटर जाने वाले थे तो राहुल के गाड़ी के आसपास किसी को देखा था या कोई अजीब बात हुई हो उस दिन? ऐसा तो कुछ अजीब नहीं हुआ था उस दिन, मगर अंकुश भैया आने वाले थे मगर उन्होंने लास्ट मिनट पे मना कर दिया। अंकुश, अंकुश दोनों जगह राहुल के साथ? वो थिएटर जाने वाला था राहुल के गाड़ी में, लास्ट मिनट में मना कर दिया और कार हाईवे पे जाके एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ गो कार्टिंग में उसके साथ जाता है और राहुल की मौत हो जाती है। अंकुश, मेरा एक चिमटी दे। ये देखो, ये है वो छोटी सी पिन जो खूनी ने यहाँ इस हेलमेट में छुपाई। सर, ये खूनी तो बहुत चालाक है, इसने ऐसी जगह पिन छुपाई कि किसी को शक ही ना हो। आदमी हेलमेट अपने बचाव के लिए पहनता है, लेकिन खूनी ने इस बचाव को ही अपना हथियार बना लिया है। अब सचिन इतना ही नहीं, खूनी बहुत होशियार है, उसने ये जहर भरी पिन हेलमेट में यहाँ पीछे की तरफ छुपाई ताकि जब राहुल हेलमेट पहने तो ये पिन यहां उसकी गर्दन में चुभ जाए। और जैसे ही पिन उसे चुभा तो उसके खून में जहर फैल गया और उसके बाद पूरा का पूरा शरीर पैरालाइज हो गया और वो कार्ड को कंट्रोल नहीं कर पाया। सर, मगर खूनी को कैसे पता होगा कि राहुल ये हेलमेट पहनने वाला है? यही तो पता लगाना है पंकज। ये पहली तो सुलझ गई कि राहुल को जहर दिया कैसे गया, अब ये पता लगाना है कि राहुल को जहर दिया किसने। मुझे कोई दुखुक नहीं है यार, अच्छा हुआ बला टली। देखो तो पता है ना, मेरी कभी उससे पटती नहीं थी और वैसे भी मेरे को उसके चेहरे से सख्त नफरत थी। सर, 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 आ, आ, आप लोग? हमारे दोस्त राहुल, उसके बारे में कुछ सवाल पूछना है। राहुल के बारे में? सर, राहुल मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, जो भी उसके साथ हुआ है मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है सर, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया सर। ये सब नाटक करके समय बर्बाद मत कर। राहुल तुम्हारे सामने कॉलेज के इलेक्शन में खड़ा था, तुम वो इलेक्शन जीतना चाहते थे और वो भी राहुल को तुमसे कोई शिकायत नहीं थी, पर तुम राहुल से चिढ़ते थे। क्यों? पहले बच्चों को थिएटर ले जाकर नाटक देखने का प्लान बनाया और फिर बड़ी चालाकी से प्लान कैंसिल कर दिया और उसी दिन राहुल का कार एक्सीडेंट हो गया। कैसे? गो कार्टिंग में भी तुम राहुल के साथ ही थे, तुम वहां पे मौजूद थे, तो हो सकता है कि उसके हेलमेट में वो जहरीली सुई तुम नहीं रखी हो। क्यों? ये सब बकवास है, सब झूठ है। मैं भला राहुल का खून क्यों करूंगा? आवाज नीचे रख, समझा? चिल्लाना हमें भी आता है। और चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि राहुल की मौत का सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें होता। मैं मानता हूँ कि राहुल मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था। मैं कई बार गुस्से में सोचता था कि वो मर क्यों नहीं जाता, लेकिन सर मैंने उसका खून नहीं किया सर। लेकिन हम क्यों माने तुम्हारी बात? क्योंकि मैंने कॉलेज के इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लिया था। अगर आप लोग चाहें तो आप कॉलेज कॉल करके चेक कर सकते हैं। इसे कॉलेज में फोन करके पता करो सर। यस सर। सर, अगर राहुल को मारने की कोशिश अंकुश ने नहीं की तो फिर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? अंकुश,
तुम जब राहुल के साथ गो कार्टिंग में गए थे तो तुमने वहां पे किसी आदमी को देखा था? किसी की कोई बात सुनी थी वहां पे? सर मैं एक शाम पहले वहां पर गो कार्टिंग करने गया था और मैंने वहां क्या देखा तुमने वहां पे? सर शेड के नीचे गो कार्टिंग का सारा सामान पड़ा रहता है, मैंने वहां से एक मेंटेनेंस मैन को बाहर निकलते हुए देखा। नॉर्मली उस टाइम पर सर वहां पर कोई नहीं होता। मेंटेनेंस का आदमी? इस जगह को ध्यान से देखिए, यहीं कहीं आसपास अंकुश ने उस आदमी को देखा था। मेंटेनेंस ऑफिसर के बारे में क्या पता चला? सर अब तक तो कुछ भी नहीं, फिलहाल तो वही फुटेज देख रहे हैं जिसमें अंकुश ने उस आदमी को देखा था सर। और अंकुश? सर अंकुश के घर का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन जहर नहीं मिला और ना ही कोई ऐसी चीज मिली जिससे उस पे शक किया जा सके। अंकुश के घर में कुछ भी नहीं मिला और फिर ये कॉलेज के इलेक्शन का मामला? सर कॉलेज से भी पता किया, अंकुश झूठ नहीं बोल रहा था सर, उसने उम्मीदवारों की लिस्ट से अपना नाम कटवा लिया था सर। मतलब खूनी कोई और ही है। गौर से देखिए, आप इस आदमी को पहचानते हैं? नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। क्या ये वो मेंटेनेंस ऑफिसर नहीं है? नहीं सर, ये हमारा स्टाफ नहीं है। तो फिर कौन है ये? विनीत काम करो, हमारा डाटाबेस चेक करो, देखो इसके बारे में कुछ मिलता है क्या। यस। बच्चों एक बात बताओ, ये राहुल भैया अक्सर गो कार्टिंग करने के लिए जाते थे हैं? नहीं सर, राहुल भैया बस कभी कभी जाते थे, शायद महीने दो महीने में एक आध बार। अच्छा महीने दो महीने में एक आध बार। अच्छा इस बार जब तुम लोग गए थे गो कार्टिंग के लिए तो क्या पहले से ही प्लान बनाया था? सर हमने गो कार्टिंग जाने का प्लान 5 दिनों पहले ही बना लिया था और हमने फोन कर टाइम भी बुक करवा लिया ताकि हमें वेट ना करना पड़े। सर क्रिमिनल डाटाबेस में ऐसा कोई भी मुजरिम नहीं है जिसका हुलिया इस नकली मेंटेनेंस ऑफिसर से मैच होता हो। तो फिर है कौन ये मेंटेनेंस ऑफिसर? सर ये खूनी को पता कैसे चला कि कार्ट नंबर 7 में कौन बैठने वाला है? कार्ट नंबर 7। सर हाँ बेटा बोलो। सर हम जब भी जाते थे ना मोंटी ही कार्ट नंबर 7 में बैठता था। ऐसा क्यों? मोंटी को लगता था कि नंबर 7 उसका लकी नंबर है, इसलिए वो किसी को भी कार्ट नंबर 7 में बैठने ही नहीं देता था। अच्छा। हाँ सर, वो तो मोंटी और राहुल भैया का झगड़ा हो गया था इसलिए राहुल भैया नंबर 7 के कार्ट में बैठ गए थे। सोनो क्या हुआ? ये 7 नंबर का कार्ट है, मेरा लकी नंबर, इस पे ना सिर्फ मैं बैठूंगा। चलो बाद में आना। इसका मतलब है कि खूनी राहुल को नहीं मोंटी को मारना चाहता था। मोंटी को? मोंटी की जान को खतरा है, मोंटी को बचाना होगा। सर मोंटी की मम्मी फोन नहीं उठा रही है। और दोस्तों से क्या पता चला? सर उसके दोस्तों ने बताया कि मोंटी रोज शाम को इस वक्त रानी पार्क जाता है। रानी पार्क? कितनी दूर है ये रानी पार्क? सर और 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर? विनीत कोई शॉर्टकट ले लो, पहुंचने में देर ना हो जाए, मोंटी की जान को खतरा है। यस सर। अगर मोंटी को कुछ हो गया तो हम लोग अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मैम संभालिए अपने आप को।
कैसा है अब? अभी फिलहाल कहना कुछ मुश्किल है। मतलब? उसे अभी तक होश नहीं आया है। मैम संभालिए अपने आप को। आंटी, आइए यहाँ बैठिए। आइए। कब तक होश आ सकता है इसे? मैं कुछ कह नहीं सकता, उसकी कंडीशन अभी थोड़ी क्रिटिकल है। इन दिनों कुछ अजीब हुआ था मोंटी के साथ। अगर हमें कुछ नहीं बताओगे ना मोंटी के बारे में, तो हम उस आदमी को कैसे पकड़ सकेंगे जिसने मोंटी पर हमला किया है, है ना? सर, सर, सर वो। हाँ बेटा, क्या बताओ? सर वो मोंटी के साथ लगातार बुरी चीजें ही हो रही थी। मोंटी के साथ लगातार बुरी चीजें होती है, मतलब? सर वो मोंटी का कजिन सिद्धार्थ भैया, सर उसकी पिछले महीने मौत हो गई थी। वो कैसे? सर मोंटी को बचाते बचाते सिद्धार्थ भैया की जान चली गई। हाँ मगर कैसे? सर गोली मोंटी को लगने वाली थी मगर सिद्धार्थ भैया को लग गई। गोली मोंटी को लगनी थी मगर गोली लगी सिद्धार्थ भैया को। सर एक महीने पहले अखबार में मैंने ऐसी कुछ खबर पढ़ी थी। एक मिनट पंकज, बच्चों को जरा। ये देखिए सर, 10 मार्च 2013 कुछ गुंडों ने मशहूर रेस कार ड्राइवर सिद्धार्थ पर वार किया जब वो अपने छोटे भाई मोंटी के साथ घर जा रहा था। उन बदमाशों ने न सिर्फ उनके पैसे और घड़ी लूट ली बल्कि सिद्धार्थ पर गोली भी चलाई। सिद्धार्थ ने वहीं दम तोड़ दिया लेकिन मरने से पहले उसने बड़ी बहादुरी से अपने छोटे भाई मोंटी को एक खड्डे में धकेल दिया ताकि उसे गोली न लगे। मतलब मोंटी बच गया लेकिन उसने सब कुछ देख लिया। सर मोंटी पर जो बार बार हमले हो रहे हैं वो कहीं इसी वजह से तो नहीं हो रहे? वही लगता है मुझे भी रजत, वही लगता है। जबकि मोंटी इस पूरे हादसे का चश्मदीद गवाह है। ये खूनी अब मोंटी की जान के पीछे पड़ा है क्योंकि मोंटी उसे पहचान लेगा और ये पकड़ा जाएगा। सिद्धार्थ एक बहुत ही होनहार कार रेस ड्राइवर था। कुछ महीने पहले ड्रग्स की इंक्वायरी बैठी और उस पर आरोप लगाया गया, उसकी वजह से उसकी स्पॉन्सरशिप भी चली गई। ये सिद्धार्थ को ड्रग्स की लत कब से लगी हुई थी? ड्रग्स तो दूर की बात है, मेरा बेटा तो सिगरेट तक नहीं पीता था, शराब को हाथ भी नहीं लगाता था। मतलब आपको लगता है कि सिद्धार्थ को ड्रग्स स्कैम में फंसाया गया था? बिल्कुल, अगर वाकई में वो ड्रग्स लेता तो उसके खून में कुछ तो ड्रग्स मिलते, उसका ब्लड टेस्ट पॉजिटिव होता। लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने उसके खिलाफ साजिश की है। लेकिन साजिश कौन कर सकता है और क्यों? पता नहीं। अच्छा ये बताइए कि सिद्धार्थ का कोई दुश्मन था जो उससे बदला लेना चाहता हो? मुझे पता नहीं, अगर मुझे पता होता तो आज मैं अपना बेटा नहीं खोती। अच्छा सिद्धार्थ की टीम मेंबर्स के साथ उसकी कोई बहस हुई थी, कोई अनबन? नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो सिद्धार्थ मुझे जरूर बताता, मेरा बेटा मुझसे कुछ नहीं छुपाता था। इस केस में ड्रग्स का एक नया पहलू सामने आया है। ड्रग्स की हेरा फेरी और सिद्धार्थ का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर हमें सिद्धार्थ का कमरा चेक करना चाहिए, हमें जरूर कुछ सुराग मिल सकता है। अबुरे गीता जी, सिद्धार्थ का कमरा चेक कर सकते हैं? जी जरूर। क्या पता चल गया है? सिद्धार्थ जैकी नाम के क्रिमिनल को जानता था? ठीक है, आगे क्या करना मैं बाद में बताता हूं। सिद्धार्थ जैकी को जानता था लेकिन जैकी तो ड्रग पेडलर है।
सर। सही है, देखिए पासिस सिद्धार्थ हाल ही में रीजेंसी क्लब गया था। रीजेंसी क्लब? क्यों सर, क्लब जाना कोई बुरी बात तो नहीं है? नहीं पूर्वी, क्लब जाना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इस क्लब में गैर कानूनी धंधे होते हैं और कुछ अमीर लोग यहाँ से ड्रग्स खरीदते हैं इस क्लब से। सर फिर तो हमें रीजेंसी क्लब जाना चाहिए। ये देखो, सिद्धार्थ के कार रेसिंग ग्रुप की फोटोग्राफ, और ये तो वही आदमी है जिसे अंकुश ने कमरे से बाहर आते हुए देखा था। हाँ सर, और उसने सिद्धार्थ की कार रेसिंग टीम का यूनिफॉर्म भी पहना है। सर इसका मतलब वो सिद्धार्थ की कार रेसिंग टीम का मेंबर था। हो सकता है पूर्वी, हो सकता है कि ये वही आदमी है जिसने वो जहरीला पिन उस हेलमेट में छिपाया था। अब सिद्धार्थ के ऑफिस जाकर ये पता करना होगा कि ये आदमी है कौन, और उस दिन गो कार्टिंग क्लब में मेंटेनेंस ऑफिसर के कपड़ों में क्या कर रहा था ये। सिद्धार्थ हमारी कंपनी का बहुत ही होनहार रेसर था, लेकिन कुछ चोर बदमाशों के साथ उसकी हाथापाई हो गई और वो बेचारा मारा गया। जी पता है हमें। तो चोरों के बारे में कुछ पता चला? फिलहाल तो सिर्फ इतना पता चला है कि वो चोरी एक नाटक थी। नाटक? जी हाँ नाटक। इरादा तो सिद्धार्थ को मारने का ही था, चोरी तो सिर्फ एक बहाना था। लेकिन सिद्धार्थ को कोई क्यों मारना चाहेगा? देखिए यही पता लगाने के लिए हम लोग आपके पास आए। आप इन्हें पहचानते हैं? मैं इसे पहचानता हूँ, ये राजेश है, हमारी टेक्निकल टीम का मेंबर था। ये मेंबर था मतलब? हमने इसे नौकरी से निकाल दिया। क्यों? एक्चुअली ये बहुत ही कामचोर और गैर जिम्मेदार इंसान था। अच्छा ये बताइए कि राजेश की दुश्मनी थी क्या सिद्धार्थ के साथ, या कोई प्रॉब्लम? हाँ एक बार सिद्धार्थ ने हमसे उसकी शिकायत की थी। कैसी शिकायत? उसके काम के लापरवाही के बारे में। फिर उसके बाद हमने उसे नौकरी से निकाल दिया। सर तो राजेश ने बदला लेने के लिए सिद्धार्थ को मार डाला? नहीं पूर्वी नहीं, कोई आदमी इतनी छोटी सी शिकायत के लिए किसी का खून क्यों करेगा? और अगर वो बदला सिद्धार्थ से लेना चाहता था तो मोंटी के पीछे हाथ जोकर क्यों पड़ा था? आपके पास राजेश का कोई नंबर या कोई एड्रेस तो होगा ही? हाँ पता ठिकाना तो नहीं है, लेकिन नंबर है, वो भी पुराना। चलेगा लाइए। 087-54-3215। सर नंबर सेवा में नहीं है। मुझे लगा ही था। ठीक है, अगर और कोई जानकारी चाहिए होगी तो हम आपको तकलीफ देंगे। क्या चाहिए सर? जैकी। जैकी? सॉरी सर, ऐसा कोई कॉकटेल हम सर्व नहीं करते, कुछ और चाहिए तो बताइए। हमें सिर्फ जैकी चाहिए। जैकी? जी हाँ, वो कोने में बैठा है। क्या बोला तू? 1000? अरे क्यों दिमाग खराब कर रहा है, 1000 में सिर्फ लॉलीपॉप आता है, लॉलीपॉप समझा? सुन अब उससे मिलना है ना तो जेब में पैसे लेके आना, चल रख फोन। 1000? जेब में पैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ हाथ में बंदूक है, चलेगा? सीआईडी? बैठ बैठ। और अब तू ये टॉफी लॉलीपॉप तो क्या पान भी नहीं बेच पाएगा, सारी जिंदगी तेरी जेल की सलाखों के पीछे कटेगी, समझा? साहब माफ कर दो मुझे, मैं सब ये ड्रग्स का धंधा छोड़ दूंगा, प्रॉमिस। ये ना डके, बंद करे सब। और ये बता कि सिद्धार्थ को कैसे जानता था तू? सिद्धार्थ? कौन सिद्धार्थ? मशहूर कार रेसर सिद्धार्थ, जिसकी एक महीने पहले मौत हुई थी, याद आया? सिद्धार्थ मेरा पुराना कस्टमर था, मेरी दोस्ती भी हो गई थी उससे। झूठ बोल रहे हो तुम। साहब झूठ झूठ क्यों बोलूंगा साहब, और यही क्लब में आया करता था वो। लगता है इस क्लब में तो कुछ नहीं बताने वाला,
इसे ब्यूरो लेके जाना पड़ेगा। नहीं साहब, अब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, सिद्धार्थ ड्रग एडिक्ट था साहब, वो नहीं उसको माल सप्लाई करता था। सिद्धार्थ सिगरेट और शराब नहीं पीता था, समझा? और ना ही रेसिंग से पहले उसके खून में कभी ड्रग्स मिली थी। किसी को बदनाम करने में बहुत मजा आता है। मुझे झूठ बोलने के दाद के घर पे ड्रग्स रखने पैसे मिले थे। किसने दिए थे पैसे? मुझे नहीं मालूम, वो मुझे फोन आया था, उसने मुझे जैसा बोला मैंने वैसे किया सर। तुमने उसका नाम नहीं पूछा? सर अपन को रोकने से मतलब था, इसलिए नाम नहीं पूछा। किस नंबर से फोन आया था? वो मैंने सेव किया उसका नंबर। ठीक है, किस नाम से फीड किया? टी नाम से। टी मतलब? टी मतलब पैसा सर, क्योंकि अपन को वैसे पैसा आने का था। ये सिद्धार्थ यहाँ रीजेंसी क्लब में आके किससे मिलता था, किससे बात करता था, देखा कभी? हाँ सर, वो अंडरवर्ल्ड डॉन मुन्ना से मिलता था, और वो लोग खूब देर तक बातें करते रहते थे साथ। हाँ पंकज, मुन्ना के बारे में क्या पता चला? सर उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली, ये देखिए। दुनिया में जितने भी गैर कानूनी धंधे सब करता है ये। लेकिन सर सिद्धार्थ जैसे मशहूर कार रेसिंग ड्राइवर का मुन्ना जैसे बदमाश के साथ क्या लेना देना हो सकता है? वैसे दोस्त बनाएगा एक? सर हो सकता है वो मैं झूठ बोल रहा हूँ, घुबरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं पंकज, अगर उसे झूठ बोलना होता तो वो हमें उस अननोन नंबर के बारे में नहीं बताता जहां से उसे सिद्धार्थ को ड्रग्स के मामले में फंसाने के लिए फोन आया था। सर जैकी को जिस नंबर से फोन आया था वो कोई अननोन नंबर है, फिलहाल बंद आ रहा है। अननोन नंबर बंद आ रहा है तो इसका एक ही मतलब है दया, कि जिसने भी ये चक्कर चलाया ना वो सिद्धार्थ को बर्बाद करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है वो सिद्धार्थ को, और इसीलिए उसने पहले राजेश को ढूंढ निकाला, उसे अपने प्लान में शामिल कर दिया और फिर सिद्धार्थ को इस ड्रग्स के मामले में फंसा दिया। लेकिन सारे मामले में फंस गया बेचारा मॉन्टी फंस गया। हॉस्पिटल से फोन है। हाँ डॉक्टर साहब बताइए, मॉन्टी को होश आ गया है, हम मिल सकते हैं? चलो थैंक यू, मॉन्टी को होश आ गया है, हम उसे मिल सकते हैं। हेलो, अच्छा मैं समझ गया। ओके सर, मुन्ना का पता चल गया है, कोलीवाड़ा में उसने अपना अड्डा बना रखा है। तो फिर उठाओ मुन्ना को। इतने सारे लैंडलाइन कनेक्शन, तो लोग दो चार मोबाइल लेके घूमते हैं, इसने तो इतने सारे लैंडलाइन फोन लगा के रखे हैं यहाँ पर। सर इतने सारे टेलीफोन नंबर्स का मुन्ना क्या करता होगा? लगता है ये मुन्ना यहीं से अपने गैर कानूनी धंधे चला रहा है। एक काम करो, सारी जगह को छान मारो, देखो क्या मिलता है। बंद है। तो ये देखिए कार रेस का शेड्यूल, कौन सी रेस कब होने वाली है, कहाँ होने वाली है, इसमें सब कुछ लिखा है। और ये देखो यहाँ पे भी उसकी पैसे की लेन देन का सारा हिसाब लिखा हुआ है। 9th January, ये देखो 17th February। सर ये कार रेस का शेड्यूल, ये नोटबुक और इतने सारे टेलीफोन नंबर्स, इनका क्या मतलब हो सकता है? एक ही मतलब निकलता है पूर्वी, कि ये मुन्ना बहुत बड़ा सट्टेबाज है और गैर कानूनी रैकेट यहीं से चला रहा है। सर इसलिए मुन्ना अक्सर रीजेंसी क्लब जाया करता है सिद्धार्थ से मिलने। सर अमिनी,
सर मुन्ना, शरीर पूरे तरीके से ठंडा नहीं पड़ा इसका, लगता है इसका खून एक दो घंटे पहले ही हुआ है। हाँ, इसकी छाती में गोली मारी गई है, इसका मतलब खूनी अच्छी तरह से जानता था हमारे हर चाल के बारे में, और उसे यह भी मालूम था कि हम मुन्ना को पकड़ने के लिए गोली बढ़ा रहे हैं। सर, इसलिए हमारे आने से पहले उसने मुन्ना को मारा ताकि मुन्ना हमें इस शख्स के बारे में कुछ बता ना सके। सर, कौन हो सकता है वो आदमी? हो सकता है ये मुन्ना का कोई बॉस है जो ये गैर कानूनी रैकेट चला रहा है, और इसने मुन्ना और सिद्धार्थ का दोनों का इस्तेमाल किया है इस गैर कानूनी काम में। हाँ सर, क्योंकि सिद्धार्थ और ये मुन्ना दोनों का खून हो चुका है, और इसके पीछे उसी का हाथ होगा जिसको इन दोनों के मरने से फायदा हो। और ये मोंटी भी, क्योंकि मोंटी अपने भाई सिद्धार्थ का बहुत बड़ा फैन था और उसकी हर रेस में उसके साथ जाता था। तब तो सर मोंटी ने अपने भाई सिद्धार्थ को इस शख्स से जाने अनजाने में बात करते हुए या मिलते हुए जरूर देखा होगा, इसलिए मोंटी की जान के पीछे पड़े। हो सकता है पुरी, इस बच्चे मोंटी से एक बार फिर मिलना पड़ेगा। क्या हुआ मोंटी, तुम इस आदमी को जानते हो? हाँ, ये तो मुन्ना भैया है। जब मैं सिद्धार्थ भैया के साथ रेसिंग देखने जाता था तभी मैंने इनको वहाँ पे देखा था। मुन्ना का और सिद्धार्थ का कभी झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन लेकिन क्या बोलो? लेकिन जब मैं एक दिन सिद्धार्थ भैया के रेसिंग रूम में उनकी घड़ी वापस करने गया था तभी सिद्धार्थ भैया के साथ मुन्ना भैया भी थे, और फिर विक्रम अंकल ने सिद्धार्थ भैया को बहुत डांटा। विक्रम अंकल, सिद्धार्थ का बॉस? क्या क्या कह रहे थे विक्रम अंकल? सिद्धार्थ भैया बोले कि मैं ये काम नहीं करूँगा। फिर विक्रम अंकल बहुत गुस्सा हो गए और फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, ये मेरी कंपनी है और तुम्हें मुन्ना का भी साथ देना पड़ेगा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सर, इसका मतलब ये विक्रम सिद्धार्थ को धमका रहा था। लेकिन सर, ये विक्रम सिद्धार्थ से ऐसा कौन सा काम करवाना चाह रहा था? अब ये तो खुद विक्रम जी ही बताएंगे। विक्रम सर, मैं तो कहता हूँ सीआईडी वालों को भी टपका डालते हैं। ये सीआईडी ऑफिसर है, कोई छोटे मोटे रेसिंग ड्राइवर नहीं है। और मुझे तो ताज्जुब लगता है कि ये सीआईडी वाले हमारे पीछे लग गए। अगर जेल चले गए तो दोनों को चक्की पीसनी पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं होगा राजेश, लालच बहुत बुरी बला है। मैं इन सीआईडी ऑफिसर्स को ऐसा लालच दूंगा कि वो कभी इनकार नहीं कर पाएंगे। तो जो करना है जल्दी करो बॉस, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। मुझे तो अब ऐशो आराम में जिंदगी जीने की आदत हो गई है। जेल में ना खाने को अच्छा खाना मिलेगा, ना सोने को नरम बिस्तर। बकवास बंद करो तुम अपनी। सही कह रहा है ये, मगर ये सब पहले सोच लेना चाहिए था। इतनी भी जल्दी क्या है ऑफिसर, बैठिए, आराम से बैठकर बातें करते हैं। बाकी बातें जेल में करना। जेल में तो मैं कभी जाऊंगा नहीं। अच्छा मिस्टर विक्रम, तुम यहां से भाग तो नहीं पाओगे, और कोई उल्टी सीधी हरकत करने का सोचना भी नहीं। नहीं नहीं ऑफिसर, हमारी आपसे दुश्मनी थोड़े ना है, और वैसे भी मैं इस देश का एक अच्छा नागरिक हूं, मेरे पास नाम पैसा शोहरत सब कुछ है। आप इस बदमाश राजेश को फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। ये क्या कह रहे हैं बॉस, मुझे पकड़वा कर अब खुद भागना चाहते हैं? ये तो नाइंसाफी हुई बॉस। नहीं नहीं राजेश, ये नाइंसाफी नहीं है, इसे त्याग कहते हैं। और तुम अपनी परिवार की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, उन्हें हर महीने पैसे पहुंच जाएंगे। और हाँ, तुम लोगों के लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफर है जिसे सुनकर तुम कभी इनकार नहीं कर पाओगे। अच्छा चलो जरा आराम से बैठ के सुनते हैं। बोलो ऑफिसर। मैं ये मानता हूं कि सिद्धार्थ का खून मैंने किया था, और ये कार रेस का रैकेट भी मैं ही चला रहा हूं। आप राजेश को दुनिया के सामने मुजरिम बनाकर खड़ा कर दो, और मुझे जाने दो
इसके बदले में मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। हाथ मिलाइए ऑफिसर, फायदे का सौदा है। ऐसे महान खिलाड़ी से तो हाथ मिलाना ही पड़ेगा। सिद्धार्थ मेरे ही इशारों पर हारता भी था और जीतता भी था। वो मेरे साथ बैटिंग का रैकेट चला रहा था। तो फिर सिद्धार्थ का खून क्यों किया तुमने? बाद में उसने कहा कि वो ये सब गैर कानूनी धंधे बंद कर देना चाहता है। उसने मुझसे भी कहा कि मैं भी बैटिंग का रैकेट चलाना बंद कर दूं, नहीं तो वो हम सब के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा। इसलिए सिद्धार्थ का मुंह बंद रखना जरूरी हो गया था। और बहुत चालाकी से तुमने सिद्धार्थ को इस तरह से मारा ताकि लोगों को लगे कि किसी चोरी या गुंडे का काम है, तुम पर कोई शक न करे। लेकिन मोंटी बच गया, उसने सब कुछ देख लिया था, वो हमारे लिए खतरा बन सकता था। और जब इंक्वायरी कमीशन बैठी तो तुमने मोंटी को मारने का प्लान बना दिया। हाँ, मैंने राजेश को भी इस प्लान में शामिल कर लिया था और मुन्ना को मैंने मार दिया जिससे कि हमारा पर्दाफाश ना हो सके। तीन तीन खून किए तुमने और एक मासूम बच्चे को जान से मारने की कोशिश की है। दुनिया की किसी भी अदालत में फांसी से कम कोई सजा नहीं होगी तुम्हें। अरे वाह मोंटी, घर जाने की तैयारी हो रही है। यस सर। सर आज से हमने इसका नाम बदल दिया है, आज से वो माचो मैन है। माचो मैन? और नहीं तो क्या सर, अगर मोंटी नहीं होता तो हम सिद्धार्थ भैया के खूनी को कैसे पकड़वाते? हमें मोंटी पर गर्व है। ये बात तो है यार। अरे मोंटी, तुमने अपने दोस्तों को थैंक्स बोला कि नहीं? अगर इन लोगों ने सही समय पे हमें नहीं बताया होता तो हम तुम्हारे पास कैसे पहुंचते? थैंक्स यार, तुम लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और एक बात, ऐसे खतरनाक चैलेंज अब दोबारा मत लेना कभी, ठीक है? तुम सब लोग बहादुर हो, निडर हो, लेकिन बहादुरी का इस्तेमाल सही जगह पे करो। किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम में कितनी हिम्मत है ना? अगर किसी ने हमारा मजाक उड़ाया तो? अरे यार, कोई कितना भी उकसाए, कितना भी मजाक उड़ाए, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। ऐसे खतरनाक काम नहीं करना है जिससे चोट लगे, समझे? खतरा मोल लेने में नहीं, खतरा टालने में समझदारी है, समझे? ओके सर, आज के बाद हम कोई ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसमें खतरा हो। वेरी गुड। और ना ही किसी को चैलेंज के लिए उकसाएंगे, आई प्रॉमिस। अरे वाह, अब आपने प्रॉमिस कर दिया है तो हमारी तरफ से भी आपको एक तोहफा मिलेगा। ये सीआईडी मेडल्स आपकी बहादुरी और समझदारी के लिए। वाओ, ब्रेवरी मेडल्स। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.